हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट बी इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। सो एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ ह्यूमन बींग विच अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। तो एनवायरनमेंट क्या है? वो आसपास का सारा एरिया, सराउंडिंग, नेचुरल सराउंडिंग जो ह्यूमन बींग को अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स एंड क्रिएचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स एंड प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर वाटर, एयर, लैंड और इनके जो बीच का रिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसके साथ साथ ये ह्यूमन बींग्स, क्रीचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी, ये जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनके बीच के रिलेशन को भी शो करता है। अब बात कर लेते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट के टू कॉम्पोनेंट्स हैं, हम 6-7 स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिजिकल और अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, लिविंग और बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। तो फिजिकल और बायोटिक अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं? जो हमारी नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है, जैसे एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, ये सारी नेचुरल थिंग्स हैं, बट क्या है ये हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। फिर अगर बात करें बायोटिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इनमें सारे वो लिविंग थिंग्स आ जाती है जिनमें जान होती है, जिनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी, सच एज प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ये हमारे लिविंग और बायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं और ये हमारे अबायोटिक और फिजिकल कॉम्पोनेंट्स हैं। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस और नीड ऑफ कॉम्पोनेंट एनवायरनमेंट की, कि हमें एनवायरनमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो फर्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो इन सब के लिए क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, जिन संसाधन होने चाहिए जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी नीड पूरी कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट ही ऐसा एकमात्र हमारे पास सोर्स है जो क्या कर सकता है, हमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। दीज रिसोर्सेज प्रूव हाईली यूजफुल इन द ग्रोथ प्रोसेस, इन फैक्ट दीज आर द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिव प्रोसेस। तो ये हमारी मदद करते हैं, चाहे वो अगर आपकी एक इकोनॉमी है तो उसकी ग्रोथ में, और अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमारी लाइफ के लिए भी ये सारी रिसोर्सेज जरूरी है। देन एट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से बहुत सारे क्या निकलते हैं, डिस्पोजल जनरेट होते हैं, तो एनवायरनमेंट हेल्प करता है इन डिस्पोजल को डीकम्पोज करने में, कैसे, थ्रू नेचुरल प्रोसेस। देन सेकेंड है इट सस्टेन्स लाइफ, हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट है, इसके अंदर इंक्लूड है एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, तो ऑब्वियसली बात है, और ये सारी चीज़ें हमें किसके लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें जीने के लिए चाहिए, और ये सारी चीज़ें क्योंकि अर्थ पर अवेलेबल है, इसी वजह से जो है अर्थ पर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है। देन इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए एनवायरनमेंट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है अर्थ की उसको अफेक्ट करता है। जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा, हमने सुना है ना, द बेटर क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट देन देर विल बी बेटर लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब है जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा, आपकी फ्रेश एयर होगी, वहाँ पे लोग कम बीमार पड़ेंगे, फ्रेश वाटर होगा, तो इस करके कहा जाता है जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतना ही अच्छी हमारी लाइफ होगी। देन इट हैज़ फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल, तो अगर हम बात करें फ्यूचर डेवलपमेंट की, तो आज की जनरेशन तो है जो अपनी नीड पूरी कर रही है, तो फ्यूचर जनरेशन को भी अपनी नीड पूरी करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनवायरनमेंट की। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। देखिए अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है जो एनवायरनमेंट फेस करता है। फर्स्ट पोल्यूशन, पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम सबको पता है और हम बहुत ही छोटी क्लासेस से इनके बारे में पढ़ते आए हैं। देन सेकंड है एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उसका ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, एक्सेस में यूज़ करता है, एक्सप्लोइटेशन करता है, जिसकी वजह से जो आने वाली है हमारी फ्यूचर जनरेशन है और जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी क्या करेगी, सफ़र करेगी। देन बात कर लेते हैं पोल्यूशन क्या होता है। अगर नॉर्मली हम बात करें तो जो पोल्यूशन है वो हमारा लैटिन वर्ड पोल्यूर से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब होता है स्पॉइल करना और डिफाइल करना, किसी चीज़ को नष्ट करना। तो हम कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन है वो क्या है, एक आपका अनडिजायरेबल चेंज है। कैसा चेंज है? अनडिजायरेबल चेंज है, किसमें, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट।
यानी कि जो आपका पोल्यूशन होता है वो एक अनडिजायरेबल चेंज है जो हम नहीं चाहते कि चेंज आए। किस किस में चेंज आ जाता है? आपके फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, किसके? एनवायरमेंट के। अनडिजायरेबल है तभी हम इसको क्या बोले, पोल्यूशन बोल रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। इससे क्या होता है, इससे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किस पे? ह्यूमन लाइफ पे और जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पे। अगर आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की, तो मेनली यहाँ पर क्या है, फाइव टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और पोल्यूशन ड्यू टू रेडिएशन। एयर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ के आए हैं कि जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल मैटर्स होते हैं अगर वो आपकी एयर में मिल जाए और जिसका साइड इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बींग्स पे बहुत ज़्यादा हो, आपके ह्यूमन लाइफ पर भी हो और जो आपकी प्रॉपर्टी है यानी कि जो फिजिकल आपके रिसोर्सेज हैं उन पर भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, वो हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन। द एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरेन मतलब बाहर के अनडिजायरेबल मैटर इन द एयर विच एडवर्सली अफेक्ट द वेल बींग्स, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को जो स्पॉइल करें, डिस्टर्ब करें, वो हमारा क्या है, एयर पोल्यूशन है। अगर हम सोर्सेज की बात करें एयर पोल्यूशन की, तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड मैनमेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में आपका क्या आता है, वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लावा बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, धुआं वगैरह सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं तो एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है। देन फॉरेस्ट फायर होती है, अपने आप जंगल में आग लग जाती है। सैंड एंड डस्ट, बहुत तेज हवा वगैरह चल रही है तो मिट्टी उड़ती है। और आपका क्या है, मार्श गैसेस, ठीक है। मैनमेड सोर्सेज की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जिनको आप क्या कर देते हैं कि जो पहले प्लांट्स एनिमल्स के लिए होते हैं उनको हटाकर आप क्या कर देते हैं, लोगों के लिए घर बना देते हैं। फिर आपका कोल कंबस्टन होता है जिसमें आप कोयले की खान वगैरह खोदने के लिए आप माइंस वगैरह लगाते हैं ताकि वो फट जाए, डायनामाइट्स वगैरह लगाते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, आप व्हीकल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें होता है और धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है जिससे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और वो भी एक एयर पोल्यूशन का कारण है। अब एयर पोल्यूशन के साइड इफेक्ट क्या होंगे, फर्स्ट साइड इफेक्ट इसका ये होगा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि ब्रोंचाइटिस है, आपका एस्थमा है, लंग कैंसर है। इनटेक ऑफ एस्बेस्टोसिस कॉज, आपका एक बीमारी है एस्बेस्टोसिस, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी गैस लेते हैं जो हानिकारक है तो उससे आपको कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, एस्बेस्टोसिस की। ओजोन लेयर पे बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है आपका। सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और जो एसिड रेन है उसका इफेक्ट इस पे पड़ता है एक्वाटिक लाइफ और अदर्स पे। अब आप कहेंगे मैम एसिड रेन, हाँ जी बेटा, देखिए हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा हुआ है ना, जब एयर के थ्रू आपके ऐड हो जाएंगे अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो आपके इंक्लूड हो जाएंगे, उसकी वजह से वो एयर जो है वो अगर मॉइस्चर वाली फिर ऊपर जाएगी, फिर वो उनके साथ मिली हुई वाटर बनेगा, वाटर वेपर्स नीचे आएंगे तो एसिड रेन की फॉर्म में, क्योंकि वो जो एसिड है वो आपकी एयर में मिलके कहाँ गया, ऊपर गया है, फिर आज से क्लाउड्स बने हैं, फिर वो वापस नीचे आ रहा है। फिर अगर एयर पॉल्यूटेंट की बात करें तो आपके एयर पॉल्यूटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मॉग, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स, ये सारे क्या हैं आपके, ये एयर पॉल्यूटेंट के नाम है। नेक्स्ट पोल्यूशन आता है हमारा वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस विच डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर सो दैट इट इज आइदर बिकम्स हेल्थ हजार्ड्स और अनफिट टू यूज। देखिए ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो वाटर में ऐड होकर उसकी क्वालिटी को क्या कर दें, डिग्रेड कर दें, घटा दें, जिसकी वजह से क्या हो जाए, या तो वो पीने के लिए रहे ना, हेल्थ हैजार्ड्स प्रॉब्लम हो जाए और अनफिट टू यूज, वो पानी जो है यूज करने के लायक ही ना रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के भी दो सोर्सेज हैं आपके, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज। तो पॉइंट सोर्सेज कौन से होंगे, जिसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, स्पेसिफिक लोकेशन होगी जहां से कि वो जो आपके पोल्यूटेंट्स निकलते होंगे, सच एज ड्रेन पाइप से आपका वहां से निकलते हैं, आपके डीचेस हो गए, सीवर हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोले तो फैक्ट्रीज हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, अंडरग्राउंड कोल माइंस हो गए, ये ऐसे आपके पॉइंट सोर्सेज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। क्योंकि यहाँ के जो आपके केमिकल्स वगैरह निकलते हैं वो किस में मिल जाते हैं, एक्वाटिक
वाटर में मिल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सी वाटर में मिल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। फिर नॉन पॉइंट सोर्सेज आते हैं। नॉन पॉइंट सोर्सेज वो होते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती, ठीक है, हैव नो स्पेसिफिक लोकेशन, वो कहीं से भी आ सकते हैं। हार्ड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट, उनको मॉनिटर करना भी मुश्किल है। देखिए, फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल को, फैक्ट्री से निकलने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंस को जो हानिकारक है, हम उनको रोक सकते हैं बोल के, बट लेकिन जिनका सोर्स ही नहीं मालूम, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, रन ऑफ फ्रॉम फार्म फील्ड से पानी जा रहा है, फीड लॉट्स हो गए आपके, गोल्फ कोर्सेज हो गए, गार्डन्स हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, लॉन स्ट्रीट्स, इनसे जो पानी निकलता है गंदा पानी, आप मतलब ये मान के चल सकते हैं कि कूड़े वाला पानी होता है, वो आगे जाके फिर सीवर से, सीवर से आगे जाके फिर वो कहाँ मिल जाता है, वो आपके वाटर सोर्सेज में मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बाकी सारे पानी को भी गंदा कर देता है। अब इसके इफेक्ट क्या है वाटर पोल्यूशन के, फर्स्ट है आपका डीऑक्सीजनेशन। देखिए, डीऑक्सीजनेशन कैसे होता है, हम जानते हैं कि जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो क्या लेते हैं, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जब वाटर पर एक लेयर जम जाएगी, परत जम जाएगी किसकी, आप सब्सटेंस की मान लीजिए, ऑयल की परत मान लीजिए, तो उससे ऑक्सीजन आगे डिजॉल्व नहीं हो पाएगी और फिर उनको प्रॉब्लम होगी किस चीज़ में कि वो सांस नहीं ले पाएंगे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेशन। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डीकम्पोजिशन ऑफ सीवेज टेक अप मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन। देन आपका डिजीजेस, बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी इसकी वजह से, जैसे कि आपकी कॉलेरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए बी, ये वाली बीमारी भी आपको किससे हो जाएगी, ये वाली बीमारी आपको वाटर पोल्यूशन से हो जाएगी। देन है आपका फाउल ऑडर, अगर बहुत ज़्यादा जंगा गंदा पानी है, इकट्ठा हो रखा है, तो कितनी ज़्यादा स्मेल आएगी, जिसकी वजह से वाटर तो गंदा होगा ही होगा, शायद में एयर पोल्यूशन भी होगा। तो सीवेज प्रोड्यूसेस फाउल ऑडर एंड मेक द वाटर ब्राउन एंड ऑयली, गंदा सा पानी दिखने लगता है, आसपास स्मेल आनी इकट्ठी हो जाती है। डिटेरेशन ऑफ क्वालिटी, देन ऑर्गेनिक वेस्ट फॉर्म अ स्कम एंड स्लज दैट मेक द वाटर अनफिट फॉर रिक्रिएशन एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो क्या हो जाएगा, डिटेरेशन ऑफ क्वालिटी हो जाएगी किसकी, वाटर की, जिसके साथ साथ वो क्या होगा, वो वाटर अब इंडस्ट्रियल के यूज के लिए भी नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं सॉइल पोल्यूशन की। तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉइल पोल्यूशन रेफर्स टू दोज अनडिजायरेबल चेंजेस। आप एक वर्ड देख रहे होंगे, जितने भी आप पोल्यूशन की बात करें उन सब में क्या आ रहा है, अनडिजायरेबल चेंजेस, किस में, उस चीज में जिससे रिलेटेड वो पोल्यूशन है। सो सॉइल पोल्यूशन रेफर्स टू दोज अनडिजायरेबल चेंजेस इन सॉइल ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होती है, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल होती है वो एडवर्सली इफेक्टेड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंड पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, आपके केमिकल्स हो गए जो आप यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, मेटल्स हो गए, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, क्लोथ, लेदर, सिंथेटिक फाइबर, वेस्ट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब आपके क्या हैं, सॉइल पोल्यूशन के कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। अब बात कर लेते हैं नॉइस पोल्यूशन की। नॉइस पोल्यूशन भी आपको पता ही है, इसमें क्या होता है, अनडिजायरेबल, एक्सेसिव एंड ऑफेंसिव साउंड होता है, ठीक है। कैसा साउंड होता है, अनडिजायरेबल, जो हम नहीं चाहते, इतना तेज तेज आवाज में हम सुनते हैं लाउड स्पीकर वगैरह की आवाज, एक्सेसिव होती है, जितनी आपकी नॉर्मल आवाज होती है उससे कहीं ज्यादा। ऑफेंसिव साउंड होता है जो मना है, ठीक है, विच हैज हाईली एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन बिहेवियर। आपने अभी सुना होगा, बहुत ज्यादा जब शोर हो रहा है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई इंसान को बहुत ज्यादा घबरा जाता है, तो उसके ऊपर इससे क्या हो जाता है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर हम सोर्सेज की बात करें नॉइस पोल्यूशन की, तो दो है, स्टेशनरी सोर्सेज और मोबाइल सोर्सेज। स्टेशनरी का यहाँ पे मतलब क्या है, स्टेशनरी का सामान नहीं है, यहाँ पे पेंसिल स्केल से मतलब नहीं, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, ठीक है। जैसे आपकी इंडस्ट्रीज है, उनसे बहुत सारा साउंड आता है, अगर मशीन्स वगैरह चल रही है, कुछ बन रहा है, प्रिंटिंग मशीन से साउंड आता है, डोमेस्टिक गैजेट्स हैं, एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट्स हैं, इन सबसे बहुत ज़्यादा साउंड आती है, तो ये हमारे स्टेशनरी सोर्सेज हैं, एक ही जगह रुके हुए हैं। और वो देन आपका आता है रोड ट्रैफिक। देखिए, रोड ट्रैफिक चलता रहता है, और जहाँ तक कार जाएगी, हॉर्न बजाएगी, पीप पीप, ठीक है, तो उससे होगा, एयर ट्रैफिक होगा। आपने देखा होगा कि जब जो आपका एरोप्लेन होता है वो लैंड करता है, या फिर जो एरोप्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है, तो कितना साउंड करता है, रेल ट्रैफिक, रेलवे में कितनी आवाज़ आती है। इफेक्ट क्या होता है इससे, परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, पार्शल हो सकता है, पैथोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, इंसान बहुत परेशान हो जाता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, नींद नहीं आती बहुत शोर में, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है,
माइग्रेटरी बर्ड्स पे, जो बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेशन करके आते हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जहाँ शोर होते हैं वहाँ वो रुक नहीं सकते। अगर हम बात करें कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको, कंट्रोल नॉइस एट सोर्स पॉइंट, कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे बंद करने की कोशिश करें, और कंट्रोल नॉइस एट रिसीवर्स एंड, ठीक है, यानी कि जहाँ हमें मिल रहा है शोर वहाँ हम कोशिश करें कि भाई हम उस शोर को अपने कानों तक पहुँचने ही ना दें। एक तो क्या करें, सोर्स पॉइंट पे बंद कर दें, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह तेज ना चलाएं, और एक क्या, कंट्रोल नॉइस एट रिसीवर्स एंड, कि जहाँ शोर हमें लगता है कि हमें साइड इफेक्ट पहुँचेगा हमारे तक, वो शोर हम आने ही ना दें। तो इसके लिए आप नॉइस को सोर्स पॉइंट पे कंट्रोल करने के लिए साइलेंसर दे सकते हैं मशीन में, बैन कर सकते हैं हॉर्न प्रेस करना ज़्यादा जोर से, रोड सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। साउंड आप कोशिश करें कि जो ऐसे गैजेट बनाए जो साउंड कम प्रोड्यूस करें, ठीक है। और अगर हम नॉइस रिसीवर्स एंड पे बात करें, तो हम मफिन्स यूज़ कर सकते हैं, ईयर प्लग, नॉइस हेलमेट, प्रॉपर लेआउट ऑफ बिल्डिंग बना सकते हैं ताकि शोर ज़्यादा ना हो, वॉइस बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए। यूज साउंड एब्जॉर्बिंग मेटल इन कम्युनिटी हॉल, मॉस्क्यू टेम्पल, चर्च, जहाँ पे आप बहुत तेज़ी स्पीकर भी चलाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या रखें, साउंड एब्जॉर्बिंग मेटल रखें, एक मटेरियल रखें, ताकि अगर शोर हो तो वो क्या करें, एब्जॉर्ब वहीं हो जाए, बहुत तेज शोर ना हो। अब आता है पोल्यूशन ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में आपने पढ़ा है, जो किससे होती है, आपकी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से होती है, ठीक है। इनका बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है किसका, एनवायरमेंट का। इनको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन ड्यू टू रेडिएशन, किसकी वजह से होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से होती है। इसका ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पहुँचता है। इसका जो मेन सोर्स है वो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वहाँ से आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एक्सरे से निकलते हैं आपकी रेडियो एक्टिव रेस, रेडियो एक्टिव आर्स, और माइन जो आप माइनिंग करते हैं उससे, और माइनिंग करते हैं उससे भी आपके निकलती है। देन है आपका रोल ऑफ इंडिविजुअल टू रिड्यूस पोल्यूशन, कि कैसे आप उसको कम कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये आपका पूरा चैप्टर है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इस पूरे एक चैप्टर को आपको एक वन सिंगल लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर दूं, ताकि बच्चों को जो आपके पेपर में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप पेपर में लिख पाएंगे। तो एक इंडिविजुअल कैसे कर सकता है पोल्यूशन को कंट्रोल, फर्स्ट है पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड शुड बी प्रेफर्ड, कि भाई आपको क्या करना है, पोल्यूशन को रोकना है, कोशिश करना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप कम से कम यूज़ करें, जो कि एक हार्मफुल है किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए, आपके एयर पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन होता है उससे। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिसोर्सेज को क्या करें, कंजर्व करें फॉर फ्यूचर जनरेशन। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल पे जो हम डिपेंड अपनी डिपेंडेंसी को कम करें, यूज़ कम करें किसका, ऑटोमोबाइल्स का, जितना कम यूज़ करेंगे उतनी कम गैसेस वगैरह बाहर निकलेगी, उतना कम नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होगा। अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी किसकी, हमारे एनवायरनमेंट की, वो थी एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम जो मॉडर्न मशीन्स बनी है उन सब ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट किया है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स की नीड बढ़ती जा रही है, और वो क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोइटेशन कर रहा है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। जब बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, तो दो मेन प्रॉब्लम सामने आई है। फर्स्ट है हमारी डिफॉरेस्टेशन, जंगल बहुत ज़्यादा कट गए हैं, जिसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी है, और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और जो लैंड है उनकी क्वालिटी भी ख़त्म होती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फर्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कटिंग एंड फैलिंग द ट्रीज, काटते हैं ट्रीज को, ठीक है ना, यूज़ करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, हाउस होल्ड पर्पस के लिए, आप क्या करते हैं, ट्रीज को काटते हैं। इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोटिक पोटेंशियल ऑफ लैंड बाय क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोटिक पोटेंशियल ऑफ लैंड, काट रहे हैं किसको, ट्रीज को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को हम ख़त्म करें ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, वो हमारा क्या कहला रहा है, डिफॉरेस्टेशन कहला रहा है। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है, पहला तो कारण है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है स्टेट्स हैं, जहाँ पर पीपल क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को या तो जला रहे हैं या काट रहे हैं फटाफट, ताकि वो उस लैंड का कल्टीवेशन के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सके। दूसरा है डिमांड ऑफ वुड फॉर इंडस्ट्रीज। देखिए हम पालम है कि हमें वुड कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से, तो फॉरेस्ट से वुड लेने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें काटेंगे ताकि उनका यूज हो सके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। देन है डिमांड फॉर लैंड, रहने के लिए लोगों को जगह बहुत चाहिए, जब जगह बहुत चाहिए तो रेजिडेंशियल एरिया बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। देन डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम क्या करते हैं, अगर हमें डैम बनाना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, जो आसपास फॉरेस्ट है वो एरिया कवर करने के लिए हम उन फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। फिर क्या, ओवर ग्रेजिंग, जो जितने भी आपके कैटल ब्रीडिंग करते हैं लोग कमर्शियल पर्पज के लिए, वो क्या करवाते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं कैटल्स और एनिमल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यंग प्लांट्स होते हैं वो भी वो खा लेते हैं, और वो पूरे फुल फॉर्म में बड़ा सा ट्री बन ही नहीं पाते, उससे पहले क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये तो पता ही है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा रहने के लिए जगह चाहिए होगी, जितनी ज़्यादा जगह चाहिए होगी उसके लिए आपको फ्यूल, वुड चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ होगी जो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट डालेंगे किस पे, फॉरेस्ट पे। देन है अर्बनाइजेशन की वजह से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, नॉन अवेयरनेस की वजह से, कि लोगों को पता ही नहीं कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो क्या होगा। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, फर्स्ट हो रहा है सॉइल इरोजन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो पकड़ के रखते हैं रूट्स को ट्रीज की, ताकि वो सॉरी रूट्स जो होती हैं उनकी, वो पकड़ के रखते हैं किसको, सॉइल को, ताकि वो आगे उनको जाने नहीं देती। बट जब ट्रीज नहीं होगी तो सॉइल इरोजन होगा, एक जगह से दूसरी जगह आराम से चली जाएगी कौन, आपकी मिट्टी, और जिससे वो वाली जगह पे क्या होगा, आपकी जो ऊपरी परत है वो खाली होती जाएगी धीरे धीरे, जहाँ पर भी क्या नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है। फ्लड बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि देखिए जितनी जल्दी फॉरेस्ट कटेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, वाटर बहुत उतनी ही फ्लो से आगे जाता रहेगा, जितनी ज़्यादा फॉरेस्ट कटे उतनी फ्लो से आगे गया, तो आसपास के एरिया तो फ्लड में गया ही गया, साथ में वो एरिया भी चला गया जो दूर है, क्योंकि फॉरेस्ट थे नहीं तो वो वाटर को होल्ड करके नहीं रख पाए। देन आपका क्लाइमेट चेंज होता है, तो जब आपके फॉरेस्ट नहीं होगा तो आप जानते हैं कि हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट बहुत बड़ी रोल निभाते हैं किसके लिए, बारिश लाने में, आपके क्लाइमेट में, तो अगर वो नहीं होगा तो साइड इफेक्ट पड़ेगा किस पे, आपके क्लाइमेट पे, या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज फॉरेस्ट में रहती है वो खत्म हो जाएंगी। रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट पड़ेगा, नहीं हो गया तो रेन होगी नहीं, या तो जब होगी तो आपका फ्लड वगैरह आने के चांसेस रहेंगे, और जब धीरे धीरे बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे आपके फॉरेस्ट तो क्या होगा, रेनफॉल होगी ही नहीं, ठीक है। देन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आप यूज़ नहीं हो पाएगा, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं होगा तो वो क्या रहेगी, एनवायरमेंट में रहेगी, जिस जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन किसकी वजह से होता है, आपका सोइल पोल्यूशन की वजह से, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा लैंड के ऊपर उतना ज़्यादा ही क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि ड्यू टू पॉपुलेशन, ड्यू टू कह सकते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा होगा और लैंड डिग्रेडेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। रीज़न क्या है आपके लैंड डिग्रेडेशन के, वही आपके सॉइल इरोजन से रिलेटेड ही है। ओवर ग्रेजिंग करते हैं, कौन करता है ओवर ग्रेजिंग, अब ओवर ग्रेजिंग आपके कैटल ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग होती है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो उतनी ज़्यादा क्या होगा, पकड़ नहीं बन पाएगी, और जब सॉइल इरोजन होगा धीरे धीरे धीरे, और सॉइल इरोजन होगा तो उसकी ऊपरी लेयर खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी लूज होती जाएगी। देन आपका रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, देखिए बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिन्हें नहीं पता कि क्या राइट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आप सॉइल की फर्टिलिटी बना पा देंगे, बस वो क्या करते हैं एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे शुरू में तो बहुत अच्छी उनकी फसल होती है, क्रॉप्स होती है, बट एक लॉन्ग टर्म में उनके जो सॉइल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी खत्म। फ्लड और स्ट्रॉन्ग विंड, देखिए जब बहुत ज़्यादा बहुत तेज हवा चलती है या जो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा एक जगह पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, जो उसकी टॉप लेयर है उसको खराब कर देता है वाटर लॉगिंग, यानी कि जब एक बहुत टाइम के लिए पानी जो है बहुत सारा पानी एक जगह इकट्ठा रह जाए तो वो क्या कर देता है, उसकी टॉप लेयर को, सॉइल की टॉप लेयर को नष्ट कर देता है। देन है माइनिंग एंड स्टोर क्वायरिंग, इसमें आप क्या करते हैं कि अगर बहुत सारा वेस्ट होता है जब आप माइनिंग वगैरह करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो लैंडस्लाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कहाँ पर, आपके हिली एरियाज में। डेजर्टिफिकेशन, अगर मान के चले मरुस्थल है, रेती रेत होगी तो क्या होगा, इट लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन बाय इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, जहाँ हर जगह मगर मिट्टी मिट्टी आगे तक जल्दी जाती रहेगी, तो टॉप लेयर की तो खत्म हो रही है आपकी सॉइल की, तो क्या रह जाएगा, ऐसी लेयर रह जाएगी जिसके अंदर क्या नहीं है, फर्टिलिटी नहीं है,
तो डेजर्टिफिकेशन में यही होता है ना, वो रेत होती है, वो मिट्टी होती है जिसका आप कहीं अच्छे से यूज नहीं कर सकते एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के लिए। देन डैम्स भी बहुत ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए, क्योंकि डैम्स में हम क्या करते हैं वाटर लॉगिंग करते हैं ना, जिसकी वजह से क्या होगा लैंड डिग्रेडेशन होगा, सॉइल इरोजन हम पढ़ चुके हैं। यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स, अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल इनपुट्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन में तो वो कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करते हैं इन लॉन्ग टाइम। डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, अर्बनाइजेशन की वजह से होता है लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि लोग क्या करते हैं घर बनाने के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो आपके लैंड है उनको उनके ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है, वो अपना घर बना लेते हैं वहाँ पर, इंडस्ट्रीज वगैरह बना लेते हैं, जिससे धीरे धीरे उसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो खत्म हो जाती है, वो अब यूज में नहीं रहती। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमोसफेयर। देखिए हम जानते हैं कि जो अर्थ का जो एटमोसफेयर है जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, वो लोअर एटमोसफेयर है। अगर वहाँ पर क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग में, जो आपके ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही धीरे तापमान बढ़ता है, पर बढ़ता कॉन्सिस्टेंटली है, मतलब ऐसा नहीं आज बढ़ा कल नहीं बढ़ा, नहीं, कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है, बहुत कम कम बढ़ता है, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है पर इंक्रीज तो हो रहा है। इट हैज टेकन प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और ऐसा क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, जो आप क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, या हम यूँ कहें कि क्यों आपका एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से होता है, जो कि हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी क्या करती हैं, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट डालती हैं किसके ऊपर, आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कॉजेज क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के? फर्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से पुट ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन द नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जितनी ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा उनकी डिमांड होगी, उतनी ज़्यादा वो एक्सप्लोटेशन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, और कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। अब आप कहेंगे मैम ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ेगी? क्योंकि बेटा देखिए जब आप ग्रीन हाउस गैसेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके ग्रीन हाउस गैसेज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपकी एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सबसे निकलता है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी नीड होगी, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी, और वो इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे तो क्या होगी ग्लोबल वार्मिंग होंगे। पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों को नहीं मालूम कि क्या साइड इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के, क्या साइड इफेक्ट है आपके पोल्यूशन के, लोगों को मालूम ही नहीं होता और वो वाले काम करते रहते हैं जो उन्हें मना किया है। मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप क्या करें एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स का, सच एज फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो शॉर्ट टर्म में तो आपको बहुत बेनिफिट देते हैं बट इन लॉन्ग टर्म वो आपकी सॉइल को खराब कर देते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, आपका एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है एक्सेसिव यूज हो रहा है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। एब्सेंस ऑफ पॉलिसी, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं उठा रही है किसके रिगार्डिंग, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, या फिर जब वो पॉलिसी बनाती है तो वो इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते और लोग उनको ब्रेक इजीली कर लेते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या हैं, अभी हमने पढ़ लिया कॉजेज कौन कौन से। अब इफेक्ट में फर्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, दोनों ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ में इंक्रीज बाय 1.4 डिग्री टू 5.8 डिग्री सेल्सियस बाय द ईयर 2100 फ्रॉम ईयर 1990। तो देखिए 10 सालों में अगर हम बात करें, 110 सालों में क्या हुआ है कि जो आपका टेम्परेचर 1.4 डिग्री से कितना बढ़ गया, एवरेज टेम्परेचर 5.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, कि पहले अगर 42 डिग्री होता था जून के महीने में तो अब कितना होने लग गया, 49-48 डिग्री होने लग गया, ठीक है। द मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एटमोसफेयर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द एटमोसफेयर। धीरे 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 क्या हो रहा है वेदर पे, क्लाइमेट पे चेंज आ रहा है, टेम्परेचर आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पहले सर्दियों का मौसम अलग था, गर्मियों का अलग था, अब क्या हो रहा है कि गर्मी पड़ती है तो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी पड़ती है तो भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जो आपका सी लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है इंक्रीज हो जा रहा है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशन एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड ग्रीनलैंड आइस शीट्स। देखिए जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो आपके ठंडे एरिया है वहाँ पर भी अब एटमोसफेयर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और एटमोसफेयर गर्म होने की वजह से क्या होगा
एटमॉस्फेयर अगर आपका गर्म होगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जो वो पहले बर्फ की फॉर्म में, आप किसकी फॉर्म में हो जाएंगे, वाटर फॉर्म में, जिससे सी लेवल इंक्रीज होगा। फैक्ट ऑन रेंज ऑफ स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीशीज सारी खराब होगी। देखिए पैंगविन हो गया आपका, पोलर बियर हो गया, ठंडी एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो जो स्पीशीज है जो बहुत ठंडे एरिया में रहता है, वो उन्हें गर्मी में रहने की तो आदत है नहीं, तो धीरे 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 वो लुप्त हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं क्या होगा, एक टाइम बाद एक्सटिंक्शन हो जाएगा उनका और वो खत्म हो जाएंगे। देन आपका फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग विल रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ प्लांट डिजीज, पेस्ट एंड एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी तो, गर्मी ज्यादा होगी तो प्लांट डिजीज जल्दी लगेंगी, पेस्ट जो आपकी बीमारियां हैं, आपके जो कीड़े हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं कहीं ना कहीं प्लांट्स की, उसकी वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। देन अब इनको सही करने के लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इतने सारे साइड इफेक्ट हमने पढ़ लिए मोटे मोटे, अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है, हम कोशिश करें कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का यूज ना करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कम करें, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम करें, पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का कम यूज करें, कोशिश करें कि हम उनके ऑल्टरनेटिव क्या बनाएं, सोर्सेज बनाएं, ताकि हमें यूज कम करना पड़े, सच एज आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और आने वाले टाइम में इनका यूज होगा भी। इंक्रीज ऑफ द वेजिटेशन कवर, कोशिश करनी चाहिए कि हम फॉरेस्टेशन ज्यादा करें ताकि यूटिलाइजेशन हो सके क्या आपके कार्बन डाइऑक्साइड का। रिडक्शन इन N2O एमिशन, कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी गैस है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो कम से कम बने, ताकि हम एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करें ना कि केमिकल फार्मिंग करें, तो उससे क्या होगा, जो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका कम से कम यूज होगा। डेवलपिंग सब्सिट्यूट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज करते हैं एसी रेफ्रिजरेटर में और वो हमारी नीड है, तो हम क्या करें उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स बनाए, ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हमें इतना यूज ना करना पड़े। देखिए बेटा, मैं पूरी कोशिश करी हूँ कि वन लेक्चर में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कवर करवा दूँ, ताकि पेपर में जाने से पहले आप इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा फास्ट चल रहा है या कुछ आपको लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि क्या करना है, हम एंड टाइम पे पेपर की प्रिपरेशन करें, तो मैं चाहती हूँ आपका कोई पॉइंट छूटे भी ना और लेक्चर इतना लंबा भी ना हो कि आपको थोड़ा सा फील होने लगे कि नहीं बहुत हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस की, ग्रीन हाउस गैस किस किस से बनती है। फर्स्ट है किससे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कहाँ से निकलती है आपकी, वो आपकी बर्निंग ऑफ कोल से निकलती है, वुड से, ऑल्सो रिलीज बाय व्हीकल, व्हीकल से भी निकलती है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है आपकी। CFC क्या, आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहाँ से बनती है आपकी, एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से, एरोसोल से। फिर आती है मीथेन, मीथेन इज प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना सड़गल जाते हैं, तो उसकी जो स्मेल आती है उनकी वजह से होती है, और इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो आपकी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर उनको आप ढंग से बर्न नहीं करते तो वहाँ से भी कौन सी गैस निकलती है आपकी, मीथेन। देन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से बनती है, ये आप एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इस फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन, हम जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर एक ओजोन लेयर है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन, ठीक है। तो जो ओजोन डिप्लेशन का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे जो आपकी लेयर है वो, ऐसा नहीं है उसके अंदर छेद हो गया, ऐसा कि वो क्या हो गया, लेयर थोड़ी थिन हो गई है, जिसकी वजह से जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधा क्या आती है, डायरेक्ट अर्थ पर आती है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्किन डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन की, जो ओजोन है वो किसकी फॉर्म है आपकी, ऑक्सीजन की फॉर्म है, जो कि आपके अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, आपको पता है ना थ्रीस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और जिसमें हम रहते हैं एटमोस्फेयर, विच एक्सटेंड फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर तक फैली हुई है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी क्या है, आपकी ओजोन लेयर है, जो कहाँ से कहाँ तक है, 12 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन स्फेयर भी कहते हैं। ये आप हमारी एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, क्योंकि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अगर डिप्लेशन हो गया तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें कैसे पता चला था कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, 1985 में आपकी फर्मैन और उनकी टीम थी साइंटिस्ट की, उन्होंने देखा कि जो आपका अंटार्कटिका है उसके आसपास क्या है, एक होल बन गया। उस होल का मतलब ये नहीं कि छेद दिख रहा था, होल मीन्स इट इज द थिनिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे वहां से क्या होती जा रही थी, पतली होती जा रही थी, ठीक है। ज्यादातर जो आपकी ओजोन लेयर है वो पतली कब होती है, मोस्टली डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन ऑक्योर्स इन स्प्रिंग एंड अर्ली समर, या तो गर्मी आने वाली होती है तब, या स्प्रिंग के, स्प्रिंग आपका जो सीजन होता है उस टाइम पर,
तो ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब क्या है कि वो थिनिंग होती है, लेयर पतली होती जा रही है किसकी, ओजोन लेयर की। ठीक है, कॉजेज क्या है इसके, इसके कॉजेज हैं कि हम क्या ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस डाइऑक्साइड, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। किस में पढ़ा है अभी, ये हमने पढ़ा ना ग्रीन हाउस गैसेस, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है बच्चा, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो आपकी ये ग्रीन हाउस गैस है, इसी की वजह से आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के। अभी मैंने बताया कि इसकी वजह से क्या होगा, आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, स्किन कैंसर बहुत जल्दी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो है वो बहुत, देखिए वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ओजोन जब डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो जितनी चाहिए प्लांट्स को उससे कहीं ज़्यादा आएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपके प्लांट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, बॉडी के इम्यून सिस्टम पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या बढ़ जाएगी, आपकी ग्लोबल वार्मिंग। अब बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट के बारे में हम जानते हैं कि डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं थ्रू यूज ऑफ न्यू सोर्सेज एंड ट्राई टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम आपके यूनाइटेड नेशन ने दिया था अपनी रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो आपके प्रेजेंट जनरेशन है उनकी नीड तो सेटिस्फाई करते ही करते हैं, बट साथ में हम कोशिश करते हैं कि आने वाली जनरेशन को अपनी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े। कहने का मतलब ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम आज ही खत्म कर दें, सब कुछ इतना ज़्यादा ज़्यादा यूज़ कर लें ताकि फ्यूचर जनरेशन, संभावी पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ध्यान इस चीज़ का रखा गया है कि हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करें ताकि फ्यूचर के लिए वो रिसोर्सेज बचे रहें। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट करेक्टर है अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। क्यों है डिस्टिंक्टिव, क्योंकि ये आज के बारे में तो सोचता ही सोचता है और भावी यानी कि आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचता है। इट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, अंडर इट अलोंग विद द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस इज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। हमें अपना डेवलपमेंट तो करना ही करना है पर सस्टेनेबिलिटी भी रखनी है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बढ़ सके। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है क्योंकि हम बात आज की ही नहीं कर रहे, कल की भी कर रहे हैं। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आज ही सब कुछ खत्म ना हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचा रहे, कुछ को इनफैक्ट काफी कुछ बचा रहे। रेगुलर इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करता है ताकि हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज करें, ऐसी टेक्निक यूज करें ताकि क्या हो कि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। देखिए आज की जो जनरेशन है उसी के थ्रू तो फ्यूचर जनरेशन होगी, तो आज का लिविंग स्टैंडर्ड हम इम्प्रूव कर रहे हैं थ्रू नेचुरल सोर्सेज एक्सप्लोटेशन नहीं करना, तो ये हम फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा सकेंगे। बेस्ड ऑन इक्विटी है, कौन सी इक्विटी की बात कर रहा है, वो इस इक्विटी की बात कर रहा है कि हमें सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना, हमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के बारे में सोचना है। कंजर्वेशन करना है किसका, रिसोर्सेज का, कंजर्वेशन मतलब संरक्षित करना है ताकि हम उनका क्या यूज़ करें, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ करें, ऑप्टिमम यूज़ करें ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा रहे, सेफ रहे फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। प्रोटेक्शन करता है किसकी, एनवायरनमेंट की, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एफिशिएंट यूज़ की, हम बात करें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की, हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, तो इससे ऑब्वियसली क्या होगा, आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा ही होगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए जो आपका नेचर है वही आप इसकी इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं पर साथ साथ में कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हम बात करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हर एक नेशन के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ लॉन्ग रन के डेवलपमेंट की भी बात की गई है। तो फर्स्ट इसमें क्या इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये क्या सिखाता है हमें, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज सिखाता है, पोल्यूशन पे कंट्रोल करना सिखाता है ताकि हम फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा के रख सके, कंजर्व कर सके रिसोर्सेज, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन इतना ना करें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इन लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर एस्पेक्ट की बात कर रहा है। प्रोटेक्शन
ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, आज की जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहा, भावी जनरेशन भावी पीढ़ी के बारे में भी सोच रहा है, कंजर्वेशन कर रहा है बायोडाइवर्सिटी का, ये इसका मेन गोल है कि हम क्या करें, कोशिश करें कि जो है क्लाइमेट चेंज कम से कम हो और हम प्रोटेक्ट कर सके ओशन को, फॉरेस्ट को, जो कि मदद करेगा किस चीज़ में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के सारे जीव यहाँ पर रहें। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि हम बात करें एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की, हम बात कर रहे हैं कि हम ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हों, तो इससे क्या होगा, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होगा। प्रोटेक्शन की बात करें एनवायरनमेंट की, कंजर्वेशन, एफिशिएंसी, इन सब की बात करें, साथ साथ में हम बात करें कि इसके थ्रू क्या होगा, सोशल गेन्स होंगे। अब ये तो हमने बात की है कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, करेक्टरिस्टिक्स की बात की है, अब बात करनी है किस चीज़ की, कि कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना के हम कह सकते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम कोशिश करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। फर्स्ट है चेंज द टेक्नोलॉजी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ओल्डर टेक्निक्स है, उनका यूज़ ना करें, बल्कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, क्योंकि जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही जो वो प्रोडक्शन अगर हम करते हैं उसके थ्रू तो वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये उसके थ्रू जो वेस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो, आपका पोल्यूशन रेट कम हो सके और एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो, क्योंकि जैसे जैसे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती जाती है वहाँ पे एफिशिएंसी की बात नहीं रहती, हम रिसोर्सेज ज़्यादा लगाते हैं बट आउटपुट बहुत कम मिलता है, इसलिए कहा गया कि हमें क्या करना है, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना है। 3R की बात की गई है, 3R अप्रोच क्या है आपका, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, यानी कि आप क्या करें, जो चीज़ दोबारा यूज़ नहीं हो सकती उसको कम यूज़ करें, जो चीज़ यूज़ हो सकती है उसको आप यूज़ करें और रिसाइकल करें ऐसी चीज़ें जो क्या हो सकती है, आपकी बन सकती है दोबारा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ही, ज़रूर होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और नेचुरल रिसोर्सेज पे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। देन है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लानी है, उनको एजुकेट करना है कि हाँ भाई अगर एनवायरमेंट जो है वो सही नहीं रहा तो क्या साइड इफेक्ट होंगे, अगर एनवायरमेंट नहीं बचा फ्यूचर के लिए तो क्या साइड इफेक्ट होंगे, इनके बारे में हमें क्या देनी है, उन्हें नॉलेज देनी है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हमें क्या यूज़ करना है, एफिशिएंट यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूज़ करना है रिसोर्सेज का, कोशिश करनी है कि जो वेस्टेज हो या तो हो ही ना या तो बहुत ही कम हो, ठीक है। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ताकि एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करना है ताकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो कम पॉपुलेशन का यूज़ करना है, ठीक है, जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना ही कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज कम होगा, ठीक है, और अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उतना ही ज़्यादा होगा। देन है आपका इनेक्टमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ, कोशिश करनी है कि आप लॉज बनाए, इनेक्टमेंट करें लॉज का, बट साथ साथ में क्या करें, इम्प्लीमेंट भी करें तो स्ट्रिक्टली करें कि अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये सब चीज़ें, वॉयलेशन अलाउड ना हो। साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करें, साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में वही बात की गई है 3R अप्रोच की। देन है अफॉरेस्ट्रेशन, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। हमें कोशिश करनी है कि हम क्या करें, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करें, ऑप्टिमम यूज़ करें, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करें, एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज ना करें, ताकि जो हमारा स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो सके और आने वाली जनरेशन को भी अपनी नीड्स के साथ सेक्रीफाइस ना करना पड़े। इसके अलावा बेटा हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो 17 है, मैं उसके बारे में आपको सिर्फ नेम बता देती हूँ, मे बी वो आपसे पूछ लिया जाए, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, चाहे तो आप इसे पढ़ लें चाहे तो आप ना पढ़ें, पर लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्होंने आपके मिलेनियम गोल्स को क्या किया है, मिलेनियम गोल्स की जगह आए हैं, ये रिप्लेस किया है। फर्स्ट है आपका गोल नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals, ठीक है।
ये कब से कब तक है, ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2016 टू 2030 यानी 15 साल के लिए। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। और ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात किस में की गई थी, आपके अर्थ समिट में बात की गई थी सबसे पहले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका पूरा एक चैप्टर एक सिंगल लेक्चर में कवर हो जाए। आई होप कि आप मेरी वीडियो पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।